Good morning, student. Today we are going to read our EVS book, Eco Travel. Lesson number 8, Buildings and Bridges. इसमें हम पढ़ेंगे buildings और bridges के बारे में. Making buildings, buildings कैसे बनाई जाती हैं, bridges and their type, जो bridges हैं और उसके type, how are bricks made? कि जो bricks होती हैं, ईंटें होती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं. It's my time. These things are used in making a building. जो ये things हैं वो buildings को बनाने के लिए use की जाती हैं. Write their name below their pictures. उनकी pictures के नीचे उनके name लिखने हैं. जैसे ये क्या है? Cement, sand, iron और wood. Making buildings. Buildings कैसे बनाई जाती हैं? Earlier man lived in caves. जो पहले के व्यक्ति थे वो किस में रहते थे? Caves में, गुफाओं में. And later he learned to make simple houses. और बाद में उसने क्या सीखा? Simple houses बनाने सीखे. As the time passed, जैसे जैसे time बीतता गया, people learned to make different buildings and houses. जो people थे उन्होंने अलग अलग तरह की buildings और houses बनाने सीख लिए. If you visit a construction site, अगर आप किसी construction site को visit करो, you can see many people working there. आप क्या देख सकते हो वहाँ पर? कि जो बहुत सारे people काम करते हैं, एक ही व्यक्ति नहीं building बनाता. These people have special skills. जो ये peoples होते हैं, इन सबके पास अपनी अपनी अलग अलग special skills होती हैं, which they used to construct स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग. जो आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वो अपनी स्किल्स का, एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग को बनाने के लिए. लेट अस नो अबाउट दीज पीपल एंड देयर स्किल्स. चलो एक बिल्ड हम इन पीपल्स के बारे में जाने और इनके स्किल्स के बारे में. अब हम पढ़ेंगे जो ये बिल्डिंग बनाते हैं उसके लिए किस किस पर्सन की, पीपल की ज़रूरत होती है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले देखो कौन है ये? ये है आर्किटेक्ट. क्या है ये? आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट मेक डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग्स, हाउसेस, ऑफिसेस, ब्रिजेस एट्सेट्रा. जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है? बिल्डिंग, हाउस, ब्रिजेस, ऑफिस की क्या करता है? डिज़ाइन करता है. ठीक है. द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लान. जो वो डिज़ाइन करता है उसको क्या हम बोलते हैं? प्लान. ही यूज़ स्केल, पेपर, ड्राइंग बोर्ड, कंपास एंड कंप्यूटर टू ड्रॉ अ प्लान. वो जो अपना प्लान ड्रॉ करता है, प्लान का मतलब कि कैसे उसका हाउस का, हाउस को बनाना है, तो उसके लिए उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्केल की, पेपर की, ड्राइंग की, ड्राइंग बोर्ड और कंपास और कंप्यूटर. ठीक है. इस ये नहीं है कि वो उसको बनाता है, वो सिर्फ पेपर पे ड्राइंग करता है, प्लान बनाता है कि कैसे होगा कैसे नहीं. वंस द प्लान ऑफ द हाउस इज रेडी. जैसे ही वो घर का प्लान बना लेता है तो क्या होता है? इट इज़ सेंड टू द लोकल अथॉरिटीज ऑफ देयर अप्रूवल. तो वह वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके पास भेज दिया जाता है ताकि वो उसे पास करें कि ये ठीक है या नहीं ठीक. ठीक नहीं है. वंस द प्लान इज़ अप्रूव्ड. जैसे ही प्लान अप्रूव्ड हो जाता है, द रियल वर्क ऑफ बिल्डिंग स्टार्ट. तब क्या होता है? रियल वर्क स्टार्ट होता है. तो ये देखो, ये कौन है? मेसोन. ठीक है. द मेसोन लेज द वॉल्स, रूफ्स एंड पिलर्स ऑफ द हाउस. जो मेसोन होता है वो क्या करता है? वॉल्स, रूफ और पिलर्स बनाते हैं किसी घर के. ही यूज टूल्स लाइक ट्रॉवल, हैमर, मैलेट, प्लम बॉब एट्सेट्रा टू मेक स्ट्रेट वॉल्स एंड पिलर्स. जो ये मेसोन होता है वो क्या करता है? स्ट्रेट वॉल्स, सीधी वॉल्स और पिलर्स बनाने के लिए ट्रॉवलर, हैमर, मैलेट जैसे उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, औजार होते हैं, उनका वो यूज़ करता है. मैनी लेबरर्स कैरी सीमेंट एंड ब्रिक्स ऑन दियर हेड. जो लेबरर होते हैं वो क्या करते हैं? सीमेंट और ब्रिक्स को अपने हेड पर कैरी करते हैं. एंड ब्रिंग देम टू द मेसोन फॉर वर्क. और फिर किसके पास लेके जाते हैं? मेसोन के पास, ताकि वो अपना काम करे. लेबरर क्या होते हैं? लेबरर डिग्स द सॉइल टू ले द फाउंडेशन ऑफ द हाउस. जो क्या होता है? लेबरर वो जो सॉइल है, मिट्टी को वो डिग करता है, खोदता है, ताकि किसी भी घर की फाउंडेशन रखी जा सके, नींव रखी जा सके.
दे वर्क एज हेल्पर टू द मेसन, जो ये होते हैं लेबरर, वो कैसे यूज़ करते हैं, एक काम करते हैं वो मेसन की हेल्पर के फॉर्म में. मेसन लेज ब्रिक्स टू मेक फाउंडेशन फॉर द बिल्डिंग. जो मेसन होता है वो क्या करता है, ब्रिक्स को रखता है फाउंडेशन बिल्डिंग बनाने के लिए, जो नींव होती है उसकी. तो उसमें ब्रिक्स को कौन रखता है, लेबरर नहीं रखता है, तो उसको कौन रखता है, मेसन. ये है कारपेंटर, ये है कारपेंटर, ठीक है. द कारपेंटर लुक्स आफ्टर द वुड वर्क ऑफ द हाउस. जैसे बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद जो उसमें वुड का वर्क होता है तो वो कौन करता है, कारपेंटर. ही मेक्स डोर विंडोज का बोर्ड एंड फर्नीचर ऑफ द हाउस. तो वो क्या करता है, घर में डोर विंडो बनाता है, कबोर्ड बनाता है, फर्नीचर बनाता है घर में रहने के लिए. He used tools like the saw, plane, gilmet, chisel and other things for his this work. तो वो किस किस चीज़ का, जो इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये नाम लिखा हुआ है उसके इंस्ट्रूमेंट, उनका वो यूज़ करता है अपना काम करने के लिए. इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद कौन आता है, इलेक्ट्रीशियन. An electrician looks after the electrical connection of a house. जो electrician है वो क्या करता है, electrical connection देखते हैं किसी भी घर का. He fits electrical mains, electrical points, plugs, switches and safety equipment in the buildings. वो buildings में क्या देखता है कि electrical point कहाँ है, plug लगाने हैं, switches लगाने हैं और safety features, जो मान लो अगर कुछ light कम ज़्यादा आ जाए तो उसके लिए क्या करना है, ये सब एक electrician ही देखता है building में. His main tools are screwdrivers, pliers, drills, soldering iron and insulation tap, etc. तो ये जो हैं screwdriver वगैरह उसके instrument हैं जिनका वो use करता है. Next कौन है, plumber. A plumber lays the water pipes and taps in the house. जो plumber होता है वो क्या करता है, water pipe और taps को लगाता है किसी भी घर में. ही लेस पॉट सिंक्स वॉश बेसिन टैप्स एंड पाइप्स इन द बाथरूम्स एंड किचन. और वो बाथरूम और किचन में पॉट्स सिंक्स वॉश बेसिन टैप्स पाइप्स वगैरह ये सब भी लगाता है. ही यूज पिलर्स स्क्रू ड्राइवर रेंच स्पैनर चीजल रबर फॉक कप एटसेट्रा फॉर वर्क. तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये उसके जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इन सभी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ एक प्लम्बर करता है. इसमें से कुछ इलेक्ट्रिशियन के साथ मैच हो रहे हैं और कुछ इसके अपने अलग हैं. अब देखो घर में क्या हो गया, घर बन गया, उसमें वुड का काम भी हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया और उसके बाद इसमें किसका काम भी हो गया, प्लम्बर का भी काम हो गया. अब क्या आता है, अब आता है पेंटर. तो पेंटर क्या करता है, द पेंटर पेंट्स द बिल्डिंग्स. जो पेंटर है वो घर की जो बिल्डिंग्स है उसको पेंट्स करता है. आफ्टर ऑल द अदर वर्क इज डन, आफ्टर ऑल द वर्क इज डन, जैसे ही सारा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पेंटर घर को पेंट करता है. ही यूज अ लैडर रोलर स्प्रे पेंट गन एंड ब्रशेज फॉर हिज वर्क. वो अपने वर्क के लिए एक लैडर रोलर स्प्रे पेंट गन एंड ब्रश का यूज करता है. देयर आर मैनी अदर पीपल हु मेक थिंग्स इन देयर वर्कशॉप एंड डिलीवर देम एट द कंस्ट्रक्शन साइट. और ये कुछ अलग व्यक्ति भी हैं जो अपने जगह पर काम करते हैं और फिर उसको जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर भेज देते हैं. जैसे अ वेल्डर मेक्स द ग्रिल्स, जो वेल्डर होता है वो ग्रिल और गेट बनाता है और फिर उसको कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज देता है. आगे द गेजियर कट द पॉलिशेज ग्लास फॉर द डोर्स एंड विंडो. जो ग्लेजियर होता है वो क्या करता है, जो ग्लासेस होते हैं और उनको कट करता है ताकि विंडो और डोर पर लगाए जा सकें. आगे द टेलर मेक्स द कर्टन्स, जो टेलर है वो घर के लिए क्या बनाता है, कर्टन्स. द इंटीरियर डेकोरेटर डेकोरेट्स द इंटीरियर ऑफ द हाउस. जो इंटीरियर डेकोरेटर होता है घर बनने के बाद वो अंदर जो उसके अंदर का सामान होता है उसको डेकोरेट करता है. नेक्स्ट, हाउ आर ब्रिक्स मेड, ब्रिक्स कैसे बनाई जाती हैं. ब्रिक्स मेकिंग इज़ वेरी लेबोरियस जॉब. जो ब्रिक्स मेकिंग है वो बहुत मेहनत का काम है. दीज आर मेड इन ब्रिक्स मेकिंग फैक्ट्रीज एंड देन कैरिड टू द कंस्ट्रक्शन साइट.
जो ब्रिक्स होती हैं वो ब्रिक्स मेकिंग फैक्ट्री में जहाँ पर ब्रिक्स बनाई जाती हैं वहाँ पर बनाई जाती हैं और उसके बाद उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर लेके जाए जाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इज टू डिग अप फाइन क्ले। क्या करते हैं वो, फाइन क्ले को खोदते हैं। उसके बाद स्टेप टू, द क्ले इज देन मिक्सड विद वाटर एंड नीडेड टिल इट बिकम सॉफ्ट, और उसके बाद उसको नीम करा जाता है जब तक वो पानी के साथ, जब तक वो एक सॉफ्ट क्ले का डो नहीं बन जाता। स्टेप थ्री, क्ले डो, जब क्ले बन जाती है जो उसका डो होता है, इज देन पुट इन द मोल्ड्स एंड ड्राइड इन द सन। उसके बाद जो ये सांचा मोल्ड्स होते हैं इसमें उसको भरा जाता है और उसको धूप में सुखाया जाता है। स्टेप फोर, ड्राइड ब्रिक्स आर देन बर्न इन किल्न टू मेक देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद जो ये किल्न होती है, हम जिसको भट्टी बोलते हैं, उसके अंदर ईंटों को रखा जाता है और उनको जो बर्न किया जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड बन सके। उसके बाद स्टेप फिफ्थ, वंस द ब्रिक्स कूल डाउन, उसके बाद उनको ब्रिक्स को ठंडा किया जाता है, दे आर प्लेस्ड ऑन द प्लेट्स फॉर द स्टोरेज, तो उनको मतलब लाइनों में लगाया जाता है स्टोरेज करने के लिए। ब्रिक्स हैव बीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन फॉर द हाउस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि पहले के समय से ही, बहुत लंबे समय से ब्रिक्स का यूज़ हो रहा है घर को बनाने के लिए। इन ओल्डन डेज बिसाइड्स ब्रिक्स, सैंड स्टोन्स ग्रेवल्स एंड वुडन बीम्स वर यूज टू बिल्ड अ हाउस। पहले के समय में क्या होता था, मिट्टी स्टोन्स का और वुडन के बीम होते थे, उनका यूज़ करते थे एक घर को बनाने के लिए। Nowadays steel rods given support and strength to a house instead of wooden beam. पहले वुडन लकड़ी के बीम बनाए जाते थे, लेकिन आज के समय में क्या होता है, स्टील वुड, आयरन वुड, आयरन रोड्स होती हैं जो उनसे बीम बनाए जाते हैं ताकि वो किसी घर को बहुत क्या दे, स्ट्रेंथ दे, स्ट्रांग बनाए उसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं POP, इज यूज्ड टू प्लास्टर द वॉल्स। जो POP होती है आजकल उसको यूज़ करते हैं किस लिए, वॉल्स को प्लास्टर करने के लिए। POP की फुल फॉर्म क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रेडीमेड सेरेमिक टाइल्स, ग्रेनाइट एंड मार्बल आर यूज्ड फॉर फ्लोरिंग द हाउस। जो घर की जो फ्लोर होता है उसको बनाने के लिए जो सिरेमिक टाइल्स हैं और जो ग्रेनाइट पत्थर हैं, मार्बल्स, उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लाईवुड, एल्यूमिनियम एंड ग्लास आर यूज्ड टू मेक डोर्स एंड विंडोज। विंडो और डोर बनाने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ होता है, प्लाईवुड, एल्यूमिनियम और ग्लास का, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ब्रिक्स, वुड, आयरन रॉड, कंक्रीट, इसको ये सीमेंट या सैंड और ग्रेनाइट। ब्रिजेस एंड देयर टाइप, अब हम पढ़ेंगे ब्रिजेस और उनके टाइप। वी नीड ब्रिजेस टू क्रॉस द रिवर और वैलीज। जो रिवर और वैलीज होती है उनको क्रॉस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ब्रिजेस की। अर्लियर, पहले के समय में सिंपल लॉग्स ऑफ वुड और फॉलन ट्रीज वर यूज्ड एज अ ब्रिज। पहले के समय में क्या करते थे, लकड़ी के जो मोटे मोटे गट्ठे होते हैं उनको काट कर रिवर के ऊपर लगा देते थे, या कोई गिरा हुआ ट्री को डाल देते थे, और उसको कैसे यूज़ करते थे, एज अ ब्रिज। लेटर ऑन, उसके बाद क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड मेकिंग ब्रिजेस, पीपल ने ब्रिज बनाने स्टार्ट कर दिए यूजिंग लॉग्स स्टोन्स वीनस एंड रॉप्स। और उसके बाद जो पीपल हैं उन्होंने स्टोन्स, लॉग्स और रॉप्स का यूज़ करके ब्रिजेस को बनाना स्टार्ट किया। ब्रिजेस आर मच मोर डिफिकल्ट टू बिल्ड देन अ हाउस। जो ब्रिजेस बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, घर बनाने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट।
They are built over rivers, canals, railway lines and busy roads. जो bridges होते हैं वो कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, rivers के ऊपर, canal के ऊपर, railway lines के ऊपर, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा busy होते हैं वहाँ पर भी वो bridges बना देते हैं ताकि वहाँ भीड़ भाड़ कम हो जाए. There are many type of bridges. बहुत तरह के bridges होते हैं. Different material, laborers and time are required to build different type of bridges. अलग अलग bridges बनाने के लिए अलग अलग material, अलग अलग labor और अलग अलग time की ज़रूरत पड़ती है. देखो कौन कौन से bridges होते हैं हमारे, beam bridge, arch bridge और third suspension bridges. तो first है beam bridge. बीम ब्रिज इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ब्रिज. जो बीम ब्रिज होता है वो सबसे सिंपल टाइप होता है ब्रिज का. इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल बीम्स ऑफ कंक्रीट और मेटल सपोर्ट बाय पिलर्स ऑन द एंड. जो बीम ब्रिज होता है वो बिल्कुल सीधा होता है और उसमें कंक्रीट और का नीचे सपोर्ट दिया जाता है. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं. द वेट ऑफ द बीम पुश्ड straight down on the pillars, therefore a large number of pillars are needed to support the beam. ये जो beam bridges होते हैं इनका पूरा weight किस पर होता है, pillars पर. तो इसीलिए जो ये नीचे pillars होते हैं ये बहुत सारे बनाने पड़ते हैं हमें. Next होता है arch bridge. arch bridge के देखो, ठीक है, arch bridge looks like a semicircle. ये किसकी तरह दिखाई देता है, एक semicircle की तरह. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रिज. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिज होता है. मेड ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर सर्कुलर आर्क्स का बना होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ये नीचे वाली देखो, ये वाली, ठीक है. अर्लियर इट वॉज मेड ऑफ स्टोन्स बट नाउ स्टील, कॉन्क्रीट एंड ब्रिक्स आर यूज. पहले के समय में ये किसके बने होते थे, स्टोन्स के, पर आज के समय में क्या क्या यूज होता है, स्टील, कॉन्क्रीट और ब्रिक्स. आगे लास्ट सस्पेंशन ब्रिज हैज इनॉर्मस टावर्स ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट सेट इन टू द दियर फाउंडेशन. देखो जो ये सस्पेंशन ब्रिज होते हैं इनमें जो ये पिलर्स होते हैं ये ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, और ये किसके बने होते हैं, कॉन्क्रीट के. चेन्स और रॉप्स हैंग बिटवीन द टावर्स. जो चेन और ये देखो, चेन और रॉड्स, ये बीच में जो है ये हैंग की जाती हैं, ठीक है, टावर्स पे. इस ये जैसे टावर होता है ना, ये नीचे तक होता है, फिर ये उसके ऊपर लाइन बनाई जाती है और उस पर क्या होता है, जो रॉड्स होती हैं वो हैंग, रॉप्स और चेन्स को हैंग किया जाता है. फुट ब्रिजेस आर स्मॉल सस्पेंशन ब्रिजेस मेड फ्रॉम वुड और रॉप विच हैंग ओवर स्मॉल स्ट्रीम. जो सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं ये जो फुट ओवर जो ये चलने की जगह होती है इसमें ये और ब्रिजेस के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है. तो ये सस्पेंशन ब्रिज हैं जो कि स्मॉल जिसमें क्या होता है, रॉप्स को हैंग किया जाता है, ठीक है, रॉप्स और चेन्स हैंग होती हैं और उससे सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाता है. लुक एट द बुक्स साइज. फर्स्ट, हु यूज द टूल्स लाइक चिजल एंड क्लाइमेट. कौन यूज़ करता है चिजल और क्लाइमेट को, कारपेंटर. द शेप ऑफ ब्रिक्स इज मोस्टली, जो शेप होती है ब्रिक्स की वो कैसी होती है, ज़्यादातर रेक्टेंगुलर. हु लेज द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की फाउंडेशन कौन लेज करता है. देखो वैसे तो आर्किटेक्ट भी बनाता है बिल्डिंग, पर वो एक प्लान बनाता है, ठीक है, लेकिन जो रियल काम होता है वो कौन स्टार्ट करता है, मेसन. आर्क ब्रिज लुक्स लाइक, जो आर्क ब्रिज होता है वो कैसे ही दिखाई देता है, एक सेमी सर्कल की तरह. डैश मेकिंग इज वेरी लेबरस जॉब्स. क्या है, ब्रिक्स मेकिंग, जो ईंटें बनाना होता है बहुत मेहनत का काम होता है. द डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड, मतलब जो आर्किटेक्ट एक डिज़ाइन करता है बिल्डिंग का उसको क्या बोलते हैं हम, प्लान. द लेबरर हेल्प द मेसन, मेसन को कौन हेल्प करता है, लेबरर. द वेल्डर मेक्स द ग्रिल्स, ग्रिल्स को कौन बनाता है, वेल्डर. डैश ब्रिजेज इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ब्रिजेस. ब्रिज सिंपल टाइप का ब्रिज कौन सा होता है, बीम ब्रिज. मैच द कॉलम ए एंड बी, जैसे मैसोन क्या होता है मैसोन के पास, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. ये इनके टूल्स दिए गए हैं,
जैसे मैसोन का टोल क्या होता है, ट्रोवल। आगे कारपेंटर, कारपेंटर किसका यूज़ करता है, सॉ का। प्लम्बर, प्लम्बर के लिए क्या यूज़ होता है, रेंच। पेंटर ब्रश का यूज़ करता है, और इलेक्ट्रिशियन पैस का। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में करेंगे। EVS लेसन 8 क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ प्लम्बर, प्लम्बर का वर्क क्या है। प्लम्बर लेज द वाटर पाइप्स एंड टैप्स इन द हाउस, जो प्लम्बर्स होता है वो क्या करता है, वाटर पाइप और टैप्स को हाउसेज में लगाता है। नेम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस, एक घर बनाने के लिए जो जो कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए उसका नेम लिखिए। देखो, ब्रिक्स, सैंड, स्टोन, ग्रेवल, स्टील रॉड्स, वुड, POP आर मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड अ हाउस। जो ब्रिक्स, सैंड, स्टोन, ग्रेवल, स्टील रॉड्स, वुड, POP मटेरियल है, इन सब का यूज होता है एक घर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 3 टाइप ऑफ ब्रिजेस, 3 टाइप कौन कौन से हैं ब्रिजेस के, बीम ब्रिजेस, आर्च ब्रिजेस और सस्पेंशन ब्रिजेस। ठीक है, ये टाइप लिखने हैं 3। क्वेश्चन 4, वाई आर ब्रिजेस मेड, जो ब्रिजेस हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। ब्रिजेस आर मेड टू क्रॉस द रिवर ऑफ वैलीज, जो वैलीज में रिवर होती है उनको क्रॉस करने के लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।